कर रहे हैं, तो उनको सैलरी कितने तारीख को उनके अकाउंट में डालते हो? सर हम जो है 7 तारीख तक सैलरी सभी के अकाउंट में कंप्लीट कर देते हैं वैसे तो। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पे नौकरी के बारे में बताता हूं, नए नए कंपनियों के बारे में बताता हूं, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता रहता हूं। तो अभी इस समय हम गाज़ियाबाद में हैं और हमारे साथ एक ऑनर मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। हालांकि इनके पास बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी इनके पास वैकेंसियां भी अवेलेबल है। इनसे हमारी काफ़ी लंबे समय से बातचीत हो रही थी, तो आज हमारी इनकी जो है कि कंफर्म डेट हुआ और आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि बहुत बहुत इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जॉब के साथ साथ विश्वास भी देते हैं, बिना करे बकवास वीडियो करते हैं, फटाफट से स्टार्ट। तो सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सुगम शर्मा है। कहाँ का रहने वाला सुगम? मैं ग्रेटर नोएडा से रहने वाला हूँ। जी, तो अगर हम बात करें आपके कंपनी, आपका फर्म का क्या नाम है? मेरी फर्म का नाम शिव शक्ति इंटरप्राइजेज है। अच्छा। मैन पावर जो ग्रेटर नोएडा नोएडा में जो है मैन पावर सप्लाई करती है। अगर हम बात करें तो कितनी कंपनियाँ आपके पास इस समय अवेलेबल होंगी? 8 से 10 कंपनियां अभी हमारे पास हैं। Okay. जो कि इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सारी मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सभी में काम कर रही हैं। Okay. जी, तो अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या होती है, किस किस क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को आप हायर करते हैं सर? सर 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन BCA वगैरह सबको हम हायर करते हैं। Okay. जी जी, तो अभी आपकी मैन पावर कितनी वर्किंग पे है? अगर हम बात करें अलग अलग कंपनियों के लिए, अलग अलग मैन पावर के लिए, कितना भी कंपनियों में आपकी मैन पावर वर्क कर रही है? 8 से 10 कंपनी हमारी मैन पावर अभी चल रही है जिसमें हम काम कर रहे हैं। 8 से 10 कंपनी में भाई साहब की जो है मैन पावर काम कर रही है, और काफ़ी लंबे समय से इनका चल रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से इनका वर्क भी है, और बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बातचीत करके। और आज की वीडियो में आपको एक नई वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, जैसा कि अभी सर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं एक बार फिर से। जैसा कि बता दूँ अगर वैकेंसीज़ की, तो किस किस टाइप की अभी वैकेंसी आपके पास अवेलेबल है सर? सर अभी हमारे पास ITI भी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में चल रही है, अभी हमारे पास में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और PC कंपनी है हमारे पास में, और बहुत सारी कंपनी है स्मार्ट वॉच की है हमारे पास वैकेंसी हैं चल रही हैं जो भी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है हमारे पास। तो क्या अगर हम बात करें जैसे कि सैलरी क्या हो जाती है अगर 10th 12th वाले और ITI या डिप्लोमा की अगर हम बात करें? सर बेसिक चल रहा है, जो बेसिक चल रहा है आपका 10,275 चल रहा है जो सरकारी वेजेस है, और अच्छी कंपनियों में लगभग लगभग आपको 12,000 बेसिक मिल रहा है, और डबल OT के साथ वो 17,000 के आसपास पहुंच जाता है। जी, अगर यही ITI वालों को अगर हम लेके चले तो 18.5-19 के आसपास अभाव पहुँच जाता है 4 घंटे OT के साथ, मतलब OT वगैरह लगा। जी जी जी। अच्छा, कुछ हमारे भाइयों का यू भी कमेंट्स रहता है कि सरार भाई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वर्क रहता है, टारगेट बेस्ड काम करना होता है, तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं नहीं सर, कोई टारगेट नहीं है, 8 घंटे वर्क करना है उसमें और 4 घंटे OT है, कोई टारगेट नहीं रहता। आपको सेटिंग का काम है, कोई ऐसे काम नहीं है हमारी कंपनी में सेटिंग का, जैसे स्मार्ट वॉच वाली कंपनी हुई और एयरबड्स वाली कंपनी है हमारे पास, स्मार्टफोन वाली कंपनी है, तो सब में सेटिंग का काम है, ऐसे कोई काम नहीं है। एयर कंडीशन काम है, कंपनी एयर कंडीशन है वगैरह सब कुछ। जैसे कि आपने बताया शिव शक्ति आपके फर्म का नाम है, तो शिव शक्ति जॉब के नाम पे कोई पैसा कोई चार्ज तो नहीं करते? नहीं नहीं सर, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा कहीं पे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कम करते हैं। हाँ, क्योंकि आज के डेट में हम बात करें तो जॉब के नाम पर कितने लोगों से पैसे ली जा रही है लेकिन जॉब नहीं दिया जा रहा, ऐसे कंडीशन में हम, यही हमारी पहल है और इसीलिए अवेयरनेस के लिए हमने इस चैनल को क्रिएट किया है, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, बिल्कुल फ्री में मिले। अच्छा, जो सैलरी का डेट होता है, जैसे कि आपके पास जो भी कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं, तो उनको सैलरी कितने तारीख को उनके अकाउंट में डालते हो? सर हम जो है 7 तारीख तक सैलरी सभी के अकाउंट में कंप्लीट कर देते हैं, वैसे तो हम 6 तारीख में टारगेट लेके चलते हैं, 7 तारीख को किसी को बाईस बस जाती है तो हम 7 तारीख को कम्प्लीट ही कर देते हैं। जी, मतलब 6 से 7 के बीच में? जी जी हाँ, 6 से 7 के बीच में हम कर देते हैं उसमें। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए कोई इंटरव्यू होता है या डायरेक्ट आप ज्वाइनिंग करवा देते हैं सर? सर कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि जैसे कोई हाई कंडीशन कंपनी होती है तो उसमें थोड़ा इंटरव्यू रहता है, पर बाकी जो है ना करा देते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। 10th 12th ITI वगैरह के लिए करा देते हैं हम, और कोई BTech वगैरह जो मैकेनिकल से हो जो बच्चे होते हैं हमारे पास में, उनका थोड़ा बहुत इंटरव्यू होता है तो उसमें फेसिंग हो जाती है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है सर। जी, कुछ कंपनियां क्या करती है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जब तक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देंगे हम आपकी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, तो ऐसे कंडीशन क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है सर? ओरिजिनल नहीं सर, ओरिजिनल कुछ नहीं चाहिए हमें, ओरिजिनल फोटोकॉपी सारे कुछ हम फोटोकॉपी लेते हैं, 4 फोटो वगैरह हम ले लेते हैं और नंबर वगैरह मेंशन करा लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं है सर।
मतलब ये चलता है हमारा सारा फोटोकॉपी चलता है सर, जीरोक्स लेके आए हैं। हाँ, जीरोस्कोपी चलती है सर। अच्छा अशोकम जी, एक बात बताएं, जैसे रूम की क्या फैसिलिटीज़ होती है? जैसे कि जो दूर दराज से आते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता, जॉब तो आप खैर दे देते हो, लेकिन रूम के बहुत ज़्यादा इशूज़ है आज के डेट में, तो रूम वगैरह के आसपास कंपनियों के मिल जाते हैं? हाँ सर, मिल जाते हैं रूम वगैरह, जो है लगभग 500 मीटर के एरिया में मिल जाते हैं रूम वगैरह, और उनका रेंट वगैरह जैसे मान के चलते हैं 2000 से 3000 के बीच में। 2 से 3 हज़ार? जी जी जी। तो सर से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक वैकेंसी के बारे में बता के बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा, लोकल कैंडिडेट की भी इसमें कंपनियां लेती हैं? नहीं लेती सर, कुछ कंपनियां हमारे पास हैं जो लोकल ले लेती हैं, बाकी तो कुछ कंपनियां नहीं लेती हैं, क्योंकि आपको भी पता है 200 किलोमीटर के पास में नहीं ले पाती हैं वो। कुछ कंपनियाँ हैं जो ले लेती हैं, तो उसमें मेंशन करा देंगे हम, आपको बता देंगे उस चीज़ का वगैरह सब कुछ। कुछ कंपनियां ऐसे क्या करती हैं ना कि ओरिजिनल कैंडिडेट को हायर ही नहीं करती, कुछ कंपनियां लेती हैं, कुछ कंपनियां नहीं लेती हैं। और स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, तो भाई इसमें 10, 12 एन आई टी आई वालों की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, इनके पास अवेलेबल है? एज क्राइटेरिया वही 18 से 30 होगा सर? हाँ जी हाँ जी, 18 से 30 चल रहा है सर। 31, 32 होते तो कंसीडर कर लेंगे? नहीं नहीं सर, वो नहीं कर पाते हैं। पर ऐसा होता है जैसे कि कोई कंपनी हमारी जैसे बिना अनपढ़ वाले बोलते हैं जिसे, तो उनको हम हायर करा सकते हैं, पर वो थोड़ा सा आपको पता है तो कर लेते हैं हम कहीं ना कहीं जुगाड़ करके, जो कभी हमारे पास आता है तो हम उसे जो है ना करा देते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट करा लेते हैं हम। अब आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दें या सुपरवाइज़र, क्योंकि एज आप ऑनर है तो देना सही नहीं है नंबर। जी जी जी, मैं अपने सुपरवाइज़र का नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सूरज नाम है उसका। हाँ, मैं आपका सूरज उसका नाम नंबर प्रोवाइड करा दूंगा सर आपको। बिल्कुल, जो इनके सुपरवाइज़र हैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो भी हमारे भाई इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर चेक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आना तो 100% आपको जॉब मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा, किसी प्रकार से कोई चार्ज आपको नहीं देना है। अब तक की हमारे 2 से 3 हज़ार वीडियो आई है, और किसी भी मैंने ये नहीं कहा कि आपको किसी को पैसा देना है जॉब के नाम पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने भाई साहब को सपोर्ट करना, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, पता चलते रहे कहाँ वैकेंसी है, कहाँ पर नौकरी की।